2019 का जो अभी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, एक और बड़ा अच्छा सवाल है। 2A चाहिए H2A प्लस I2A, केसी के लिए दिए 1.3 × 10⁻²। और जब इक्विलिब्रियम पे आया तो कह रहे हैं HI के 5 मोल पर DM क्यूब थी। ऑफ कोर्स ये सबका यूनिट मोल पर DM क्यूब तो है इन तीनों का, इसका भी H2 का 0.5, I2 का 1.5। तो पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की। तो मेरे भाई हमेशा इसका तरीका होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट निकाल के देखो। प्रोडक्ट में 0.5 और 1.5 है, रिएक्टेंट में 5 तो है, लेकिन चूंकि देखो HI के 2 मोल हैं इसलिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे भाई अगर मैं 5 को 5 × 10⁻¹ लिखूं, बात एक ही, 1.5 को 15 × 10⁻¹ लिखूं, बात एक ही है, 5 का स्क्वायर कर ले 2 5, ये 5 5 मारा, ये 5 15 से कटा, 3 × 10⁻¹ −1 −2। तो 3 × 10⁻¹ −2 ऑफकोर्स बड़ा होगा 1.3 × 10⁻¹ से, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बड़ा होगा केसी से। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट केसी से ज़्यादा होने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है तो डायरेक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड या रिवर्स। जब भी अगर को प्रोडक्ट हाई होगा डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। 2019 में आया ये क्वेश्चन। थैंक्स अ लॉट।